मिर्जापुर 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। कालीन भैया हो या शरद, सभी से दर्शक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दो शानदार सीजन के बाद अब यह सीरीज और ज्यादा मसालेदार अंदाज में अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने वाली है। दोस्तों, मंगलवार को मुंबई में आयोजित हुई प्राइम वीडियो की इवेंट में मिर्जापुर की स्टार कास्ट नजर आई और सभी ने आने वाले सीजन के प्रति उत्साह व्यक्त किया है। 2007 में मोहक मादक माधुरी दीक्षित की फिल्म आ नचले से कैमरे के सामने अभिनय की शुरुआत करने वाले पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के स्नातक दिव्येंदु शर्मा वेब सीरीज मिर्जापुर 3 के सीजन में नजर नहीं आएंगे। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। दिव्येंदु किरदार मुन्ना भैया को फिर से इस सीजन में लाने के लिए बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खुद मुन्ना भैया ने ये राज खोल दिया है कि वह सीरीज का हिस्सा वाकई में है। दोस्तों, वेब सीरीज का प्रशासन OTT अमेजन प्राइम वीडियो पर होना है। सीरीज की शूटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन सीरीज के प्रसारण के लिए OTT सही समय नहीं चुन पा रही है। पहले चुनावों के पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रति बना श्रद्धालु माहौल अब चुनाव की वेला में एक ऐसी वेब सीरीज का प्रसारण OTT प्रबंधन उचित नहीं माना जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की छवि पर सीधा निशाना साधा गया हो। मिर्जापुर पूरी दुनिया में अपने कालीन उद्योग के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इस सीरीज ने उसकी ब्रांडिंग को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस वेब सीरीज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अखंडनापन त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का किरदार निभाया है और दिव्येंदु शर्मा बने फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना भैया अपनी कहानी से ज्यादा अपनी गालियों और अपने दैहिक रिश्तों के लिए चर्चा में है। इस वेब सीरीज का प्रसारण अमेजन प्राइम वीडियो पर कब होगा, ये खुद अमेजन वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी बीच 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर सीरीज के किरदार मुन्ना भैया के फिर से सीरीज में लाने की मुहिम सी शुरू हो गई है। दोस्तों, मिर्जापुर 3 को लेकर हफा दया के बीच ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक खास बातचीत में दिव्येंदु ने इसकी कास्टिंग की मटकी कैमरे के सामने फोड़ दी है। वह कहते हैं, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के मंच से मैं एक ऐलान करता हूं कि मैं मिर्जापुर सीजन 3 का हिस्सा नहीं हूं। सीरीज के दूसरे सीजन के अंत में दिव्येंदु का किरदार मुन्ना भैया मर जाता है, लेकिन उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम दंत कथाएं चलती रहती हैं कि मुन्ना भैया इस कहानी में फिर से लौटेंगे और उन्हें सीरीज में वापस लाने के लिए एक मुहिम सी चली गई है। लेकिन अभी इसका कुछ भी कंफर्म नहीं है। कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है कि सीरीज में नहीं है। ये तो तभी पता चलेगा जब सीरीज रिलीज होगी। तो इंतजार करते हैं सीरीज के रिलीज होने का, देखते हैं कौन कितना दमदार है इस वेब सीरीज में। दोस्तों, मिर्जापुर के पहले सीजन में विक्रांत मेसी और श्रेया पिलगांवकर भी लीड रोल में थी, जिसका प्रीमियर नवंबर 2018 में हुआ। दूसरा सीजन 2020 में विजय शर्मा डबल रोल में तीसरा तलवार अंजुम शर्मा और प्रियांशु के साथ आया था। इन दिनों तीसरे सीजन को दर्शकों के जरिए खूब सराहा गया है। सीरीज की तीसरी किस्त को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इसी बीच इस पर फिल्म तैयार किए जाने की खबर ने फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। मूवी की कहानी पूर्वांचल के मिर्जापुर और यहाँ के गुंडाराज पर आधारित होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मिर्जापुर सीजन 3 का 10 टीजर 19 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। टीजर काफी रोमांचक बना था। मिर्जापुर का यह सीजन 3 कालीन भैया के भूखे बेटे मुन्ना के इर्द गिर्द घूमती है और उनकी दुनिया एक ईमानदार वकील रमाकांत पंडित और उनके बेटे गुड्डू और बबलू से टकराती है, जिससे घटनाओं को एक उथल पुथल भरी श्रृंखला शुरू हो जाती है जो वफादारी का परीक्षण करती है और प्रतिद्वंदता को भड़काती है। लखनऊ और जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया मिर्जापुर 3 सत्ता विश्वासघात और प्रतिशोध की गाथा में एक और दिलचस्प अध्याय पेश करने वाला वादा करता है। पिछले सीजन द्वारा निर्धारित उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कलाकार और चालक दल की प्रतिद्वंदता के साथ जब मिर्जापुर 3 अंततः बहुत जल्द स्क्रीन पर आएगा, तो प्रशंसकों को एक रोमांच देखने के अनुभव से कम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट मिर्जापुर और पात्रों के भाग्य के बारे में नए सिद्धांतों और क्लिपों से भरा पड़ा है। आग में घी डालते हुए शो में बिना त्रिपाठी की भूमिका निभाने वाले अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने संकेत दिया सीजन 4 पर पहले से काम चल रहा है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है और प्रशंसक अभी भी मिर्जापुर 3 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इसका आधिकारिक ट्रेलर जल्द इंटरनेट पर पोस्ट किया जाना चाहिए। मिर्जापुर सीजन 3 के अभिनेताओं के होलिया अपडेट ने आगामी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। विजय शर्मा ने होलिया पोस्ट में स्क्रीन के सामने अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें खुलासा किया गया कि उन्होंने डबिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। अभिनेता ने लिखा, डबिंग किए हैं, पेपर रेड रही है, निर्माण में प्रगति की और इशारा करते हुए और प्रशंसक ने अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहने का आग्रह किया है। सो दोस्तों, आपने क्या मिर्जापुर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है और इसके पार्ट 3 का आपको कितना इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में पर अपडेट चाहते हैं तो ऊपर वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। या अगर आप ऋतिक रोशन की क्रिस पर अपडेट चाहते हैं तो नीचे वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।